नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों इस बार जो है इस वीडियो में दिखाऊंगा स्पेसिफिकेशन और अपना ओपिनियन शेयर करूंगा स्मार्टफोन का जो है SRT फोन है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और अपना ओपिनियन भी लास्ट में जरूर बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर और नए वीडियो को देख रहे हैं इस बार, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन की। पहले मैं बता देता हूँ स्मार्टफोन जो है नई कंपनी नहीं है, इससे पहले मार्केट में देखिए तीन प्रोडक्ट निकाला था, एक था टी फोन, एक टी बुक, यहाँ पे और से इसका प्रोडक्ट है देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट है SRT फोन के बारे में। तो इसका मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ SRT फोन के बारे में, तो स्पेसिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मतलब एक बैलेंस स्मार्टफोन कह सकते हैं कि अभी तक जो इंडियन कंपनी के बारे में बात करते हैं, जैसे हम हमेशा से बीच में था कि चाइना बायकॉट के बारे में, तो उस वक्त हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वहाँ पर यह था कि हमारे इंडिया में ऐसा कोई कंपनी है था ही नहीं जिस कारण से हम मतलब चाइनीज को बायकॉट कर सकें, क्योंकि मतलब या तो सामान कम देते थे, अच्छा ऐसा नहीं देते थे, जो प्रोसेसर था वो बेकार प्रोसेसर यूज करते थे, प्राइस ज्यादा लेते थे। और चाइनीज कंपनी में क्या था कि जैसे MI का हो गया, Xiaomi हो गया, बहुत सारे दूसरे कंपनी है, उसमें क्या था कि आपको जो है मिलता था अच्छा फंक्शन और प्राइस भी कम रहता था। तो लेकिन अब इस बात जो है ये मतलब इंडिया की बात करते हैं तो बहुत अच्छा है, माइक्रोमैक्स की तरह नहीं है। जो इस पिछली बार जो माइक्रोमैक्स निकाला था तो इसमें था कि एकदम बहुत हल्ला कर रहा था, पता चला कि वो कॉपी निकाल दिया है, लेकिन इस बार जो है यूनिक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे फैन की भी बात चलती है, फैन वाली बात चले कि आपको मतलब ये सचिन तेंदुलकर है इसका कितना बड़ा फैन है, तो ऐसा नहीं है कि फैन का होने के बाद जो है कुछ भी दिखा दे तो हो जाएगा, लेकिन इस बार बहुत अच्छा इसमें फंक्शन भी है। देखिए यहाँ पे आपको जो है फ्लिपकार्ट पे आपको जो है ऑफर मिल जाएगा, आप परचेज भी फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। इसका पूरा स्पेसिफिकेशन मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर मिलेगा। इसमें जो है आपको जो है प्रोसेसर थोड़ा फास्ट है, मानता हूँ कि इसके अनुसार जो है इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं 64 GB और 32 GB दोनों में मिलता है। साथ साथ जो है आपको टी क्लाउड भी मिलता है। टी क्लाउड का मतलब कि अगर आपको स्टोरेज क्षमता कम पड़ जाता है तो आप जो है ऑनलाइन जो है इसको अपलोड भी कर सकते हैं, तो उसका मतलब अनलिमिटेड दे रहा है। इससे पहले क्या था कि दूसरे कंपनी में जो था क्लाउड तो देता है लेकिन कुछ लिमिटेड स्टोरेज देता है, यहाँ पर अनलिमिटेड आप कर सकते हैं नेट रहेगा तो। इसके बात करते हैं कि अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 5.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा आपको। और अगर बात करते हैं चार्जिंग की तो यहाँ पे आपको जो क्विक चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा कि आप जल्दी से चार्ज कर सकते हैं और आसानी भी रहेगा। साथ साथ जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो देखने को मिला है दोस्तों वो है NFC का सपोर्ट मिलेगा आपको। NFC का सपोर्ट मिलने से फ़ायदा ये रहा है कि आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करने में जो है आपको डायरेक्ट उसके पास सटाइएगा और सारा काम हो जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा आपको, तो ये बहुत अच्छा चीज़ इसमें दिया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो स्मार्टफोन का जो इसका लुक है, लुक देखने पर भी आपको लगता है कि अच्छा है, लुक ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि Xiaomi का जो लुक रहता है यहाँ पे जैसे देख लीजिए यहाँ पे कर्व है, कर्व एक अच्छा दिखने में लग रहा है। अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहाँ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपको जो है रैम मिलेगा, रैम जो है DDR3 रैम मिलेगा, 4 GB का रैम मिलेगा। इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं 64 GB 32 GB दो वेरियंट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो डिस्प्ले की बात करते हैं, पहले मैं बताया तो 5.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। चिपसेट में 6 मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। अगर कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा जो है पीछे का कैमरा जो है 13 MP मिलेगा और आगे का कैमरा जो है 5 MP का मिलेगा। सेंसर लगभग वही सेंसर सारा अवेलेबल है। मेन जो होता है 3D देखने के लिए और वर्चुअल रियलिटी का मजा लेने के लिए, आपको जो है वर्चुअल रियलिटी का मजा लेना है तो आपको जायरोस्कोप होना चाहिए, तो वो इसमें यहाँ पे है, ये चीज़ तो हमेशा देखा ही जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट स्पेसिफिक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा चीज जो है वो है कि आपको जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको एंड्रॉयड जो है 7.1.1 मिलेगा, मतलब लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। और आगे जाकर के जो है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले समय में जो है एंड्रॉयड वो है फाइनली ऑफिशियल जब लॉन्च होगा तो वो अपग्रेड भी कर सकते हैं एंड्रॉयड ओ पे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। और प्राइस की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे आपको जो है अगर 32 GB वाला वेरिएंट वाला लेते हैं, अगर 4 GB रैम रहेगा, 32 GB इंटरनल मेमोरी, तो आपको मिलेगा 12,999 रुपया मतलब 13,000 में। और अगर 64 GB का लेते हैं तो आपको मिलेगा 13,999 रुपया मतलब 14,000 में मिलेगा आपको। तो ये है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। और अपने मेरा ओपिनियन की बात करते थे, मेरा ओपिनियन बहुत अच्छा है दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है। ये मुझे पर्सनली अभी तो मैं यूज नहीं किया हूँ, लेकिन मैं
कोशिश करूंगा कि मैं परचेज इसको कर सकूं और आपको जो है कंप्लीट अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इंडियन कंपनी में अभी तक ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं था या कोई भी असेंबल करके भी नहीं बेच सकता था जो अच्छा और ढंग का और कम प्राइस में, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है, दोनों कह सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा जो वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक एजेंट फॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।